हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आर्मी। ओके, देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके, मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रखा था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से आया रहेगा, उसमें आपने उसका आंसर निकाला रहेगा। ओके, नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ओके, और क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप तक जल्द से जल्द मिलते रहे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। ओके, तो चलो देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 एक्चुअल में है क्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि जो भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं किसके बेस पे, लेट LIAT, इसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रेफरेंस देते हैं, यू कौन है वी कौन। ओके, फिर उसके बाद एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे, U को कॉमन, अच्छा U इंटू वी रूल का फॉर्मूला ऐसा था कुछ, U को कॉमन लिया, V को इंटीग्रेट किया, फिर माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन और डी अपॉन में dx, U को डेरिवेट किया इंटू इंटीग्रेशन ऑफ V dx पूरे के बार में dx, ये फॉर्मूला था हमारा इंटीग्रेशन का। ओके, देखिए ये हमारा क्या था, ये हमारा रूल था U इंटू वी रूल इंटीग्रेशन में, और ये लिएट, इसके हिसाब से हमको क्या करना है, हर एक फंक्शन को प्रेफरेंस देना है। L से log होता है, I से इनवर्स, A से अल्जेब्रिक, T से ट्रिग्नोमेट्रिक, E से एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री और ये है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मींस क्या होता है, जो पावर में रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो सपोज करना है आपको I इज इक्वल टू ये हो गया, उसके बाद क्या करना है इसको, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इंटू e^2x dx। ओके, हमने क्या किया इसको, इसके हिसाब से प्रेफरेंस दे दिया है। अब प्रेफरेंस देने के बाद हमको क्या करना है, इसको इस फॉर्मूले में ना u इंटू वी रूल में क्या करना है, उसको सब्सिट्यूट करना है, फिर उसको सिंप्लीफाई करना है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे तो इंटीग्रेशन सेम रहा, देखिए ये है हमारा u, तो कॉमन आ जाएगा cos 3x इन, ओके, फिर इंटीग्रेशन ऑफ e^2x dx माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, इसको डेरीवेट करेंगे डी अपॉन में dx cos 3x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेम ये वाला पार्ट e^2x यहाँ पे dx, ये पूरा ब्रैकेट ले लेना है बाहर dx। ओके, देखिए हमने क्या किया है, ये जो क्वेश्चन था, ओके, इसको हमने क्या किया, फॉर्मूले के फॉर्म में सब्सिट्यूट कर दिया है। अब ध्यान से देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या रहेगा, cos 3x तो सेम रहने वाला है, e^2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e^2x ही होगा, और यहाँ पे 2x क्या है, तो क्या जाएगा, ये अपॉन में 2 आ जाएगा। ओके, ये आपको ध्यान में रखना, चाहे तो इंटीग्रेशन करिए या तो डेरिवेटिव कीजिए, आपका e^x रहता है ना, जो सेम एज इट इज आता है। अगर यहाँ पे पावर में कुछ और कुछ कॉन्स्टेंट है, ओके, या तो कोई और फंक्शन है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, वापस से डेरिवेट करेंगे, फिर उसको अपॉन में ले लेंगे। ओके, ये हो गया, फिर ये माइनस हो गया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इसका क्या होता है, कॉस का होता है माइनस, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, रुकिए, देखिए साइन का क्या होता है, माइनस कॉस होता है। ओके, तो यहाँ पे कॉस का क्या होगा, माइनस साइन होता है, होता है माइनस साइन 3x इंटू 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, cos 3x का डेरिवेटिव किया है, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। ओके, और माइनस साइन होता है, और 3x का क्या होता है, 3 होता है, फिर इसका इंटू करने पे देखिए ये वाला पार्ट सेम आ जाएगा, यहाँ पे e^2x अपॉन में 2 यहाँ पे dx। फिर क्या करना है, ध्यान से देखिए, cos 3x एज इट इज इंटू e^2x अपॉन में 2 एज इट इज रहेगा, माइनस 12 तो प्लस हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या करना है, 3/2 को बाहर ले लेना है, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या बचेगा, ध्यान से देखिए, साइन 3x इंटू e^2x यहाँ पे dx, ध्यान से देख लीजिए, देखिए ये माइनस 12 का तो प्लस हो गया, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था, तो 3/2 का हमने क्या किया है, कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया है, ये साइन 3x ऐसी रह गया, और यहाँ पे e^2x एज इट इज। अब यहाँ पे वापस देखिए, यहाँ पे ये आपका क्या दिख रहा है, ये आपका दिख रहा है u, और ये आपका दिख रहा है v, तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन u इंटू v रूल क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ पे तो i आपका ऐसे रहने वाला है, तो i इज इक्वल टू cos 3x इंटू e^2x अपॉन में 2 प्लस 3/2 बड़ा सा ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि ये देखिए ये दोनों के मल्टीप्लीकेशन है ना, इसके हमने यहाँ पे क्या किया, बड़ा सा ब्रैकेट लिया। अब यहाँ पे इसको कॉमन लेंगे साइन 3x, ओके, फिर यहाँ पे क्या जाएगा, साइन 3x कॉमन लिया, और इंटीग्रेशन ऑफ e^2x dx माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे d अपॉन में dx
साइन थ्री एक्स को डेरिवेट करेंगे और वापस से ई रेस्ट टू एक्स को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, फिर ब्रैकेट लगा के डी एक्स ये लिख देंगे। ओके, ये होने के बाद क्या करना है, यहाँ पे बड़ा सा ब्रैकेट लगा दीजिए। यहाँ पे तो सेम रहेगा, आई इज इक्वल टू कॉस थ्री एक्स इंटू ई रेस्ट टू एक्स अपॉन में टू प्लस थ्री बाई टू एज इट इज रखो यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए तो सेम रहेगा साइन थ्री एक्स। ओके, यहाँ पे इंटू है तो इंटू, देखिए ई रेस्ट टू एक्स से क्या होता है इंटीग्रेशन, ई रेस्ट टू एक्स सेम रहेगा अपॉन में टू माइनस ब्रैकेट, देखिए साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस थ्री एक्स इंटू थ्री, फिर यहाँ पे सेम रहने वाला ई रेस्ट टू एक्स अपॉन में टू यहाँ पे डी एक्स। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट ध्यान से देखिए क्या किया है, देखिए ये साइन थ्री एक्स सेम रहेगा और ई रेस्ट टू एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए तो डेरीवेटिव कीजिए सेम आता, तो ये सेम आ गया है, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन करें तो ये टू एक्स का वापस से डेरीवेट करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा, देखिए तो टू आया था टू अपॉन में चलेगा। सेम यहाँ माइनस बाहर रहेगा एज इट इज, देखिए साइन थ्री एक्स का डेरीवेटिव क्या होता है कॉस थ्री एक्स। ओके, और थ्री एक्स या फंक्शन इसको वापस से डेरीवेट करेंगे, तो यहाँ पे जब डेरीवेटिव में आप दो से तीन बार डेरीवेट करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन जाता है, और इंटीग्रेशन में जब डेरीवेट करते हो तो डिविजन में जाता है, इसका सेम आ गया। आप क्या करना, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए। ओके, तो हो जाएगा आई इज इक्वल टू कॉस थ्री एक्स ई रेस टू टू एक्स अपॉन में टू प्लस इसका मल्टीप्लाई कर यहाँ पे करोगे टू टू जा फोर, यानी कि थ्री अपॉन में फोर साइन थ्री एक्स इंटू ई रेस टू टू एक्स, फिर यहाँ पे करूँगा तो यहाँ से देखिए यहाँ से भी थ्री बाई टू बाहर आएगा, यहाँ से भी जाएगा तो जाएगा प्लस, है ना, प्लस माइनस माइनस थ्री बाई टू इंटू थ्री बाई टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थ्री एक्स इंटू ई रेस टू टू एक्स यहाँ पे डी एक्स। अब इस वाले टर्म्स को आप ध्यान से देखिए, तब हाँ इस वाले टर्म्स को तुम ध्यान से देखिए, ये वाला टर्म कुछ दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट इसको इक्वेशन नंबर वन दे दीजिए। देखिए आई इज इक्वल टू कॉस थ्री एक्स इंटू ई रेस टू टू एक्स डी एक्स, कॉस थ्री एक्स इंटू ई रेस टू टू एक्स डी एक्स, तो हम इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं आई लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्या जाएगा आई इज इक्वल टू कॉस थ्री एक्स इंटू ई रेस टू टू एक्स अपॉन में टू। ओके, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस थ्री बाय फोर साइन थ्री एक्स इंटू ई रेस टू टू एक्स माइनस थ्री थ्री जाए नाइन अपॉन में फोर, इसके पे क्या जाएगा आई, यहाँ पे जाएगा प्लस का सी। ओके, अब क्या करना, देखिए ये माइनस इधर है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पर जाएगा i प्लस कितना है नाइन बाई फोर, है ना, नाइन बाई फोर आई इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए ये इधर माइनस है इधर आया तो प्लस हो गया, ये वाला पार्ट को सेम लिखिए, यहाँ पे cos 3x अपॉन में कुछ नहीं है सेम है cos इंटू ई रेस टू टू एक्स अपॉन में टू प्लस थ्री बाय फोर साइन 3x इंटू ई रेस टू 2x, ओके ये हो गया है प्लस का सी, प्लस का सी। अब क्या करना है, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो जाएगा 4i इधर होगा प्लस का 9i अपॉन में 4 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए यहाँ पे ये देखिए e रेशो 2x यहाँ पे भी है, e रेशो 2x यहाँ पे भी, तो हम लोग इसको क्या करेंगे कॉमन ले लेते। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा e रेशो 2x ब्रैकेट में क्या बचेगा तो है ना, तो यहाँ पर जाएगा कॉस थ्री एक्स अपॉन में टू प्लस थ्री बाय फोर साइन थ्री एक्स प्लस का सी। एक काम और कर सकते हैं, देखिए एक और चीज कॉमन ले सकते हैं, कैसे देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर फोर है तो यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई कर दिया भी, और ये टू से यहाँ पे तो टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये भी फोर हो गया, ये भी फोर हो गया, यानी कि वन बाय फोर भी हम लोग क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। पहले इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, नाइन और फोर कितना होता है नौ चार तेरह, यानी कि थर्टीन आई अपॉन में फोर इज इक्वल टू ई रेस टू टू एक्स इन टू वन बाय फोर भी बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा टू कॉस थ्री एक्स प्लस थ्री साइन थ्री एक्स प्लस का सी। ओके, देखिए यहाँ पे थ्री बाय फोर है तो मैंने क्या किया वन बाय फोर बाहर ले लिया, यहाँ से फोर गायब हो गया है, यहाँ पे देखिए टू सिर्फ अपॉन में टू था तो हमने क्या किया फोर करना उसको, तो टू से मल्टीप्लाई किया टू से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या हो गया वन बाय फोर, तो वन बाय फोर बाहर लेते टू एज इट इज रहेगा। ओके, अब क्या करना है यहाँ से देखिए यहाँ से इंटू इधर है तो डिवीजन, और हमको किसका आई का वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ से हम ये थर्टीन बाय फोर आए है ना, तो हमको सिर्फ आई चाहिए तो इसको क्या करना है यहाँ पे इधर लेके जाएंगे, तो इधर से लेके देखिए ये क्या इधर इंटू में, तो इधर तो डिवीजन में होगा और डिवीजन वाला टर्म इंटू में होगा,
तो यहाँ पर हो जाएगा आई इज इक्वल टू ए रेस टू टू एक्स इन टू हो जाएगा, ऊपर फोर जाएगा नीचे थर्टीन आएगा, इन टू वन बाई फोर एज इट इज। यहाँ पर हो जाएगा टू कॉस थ्री एक्स प्लस का थ्री साइन थ्री एक्स प्लस का सी, फोर फोर कैंसल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू ए रेस टू टू एक्स अपॉन में थर्टीन फिर ब्रैकेट में टू कॉस थ्री एक्स प्लस थ्री साइन थ्री एक्स प्लस का सी, ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से करना है, थोड़ा सा लेंदी है बट आपको डरने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग इनटू रूल ही यूज कर रहे हैं हर जगह पे, कुछ भी चेंज नहीं। ध्यान से रखिए ये क्वेश्चन था, इसको मैंने क्या किया लेट की मदद से मैंने क्या किया उसको अरेंज कर लिया है, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फिर बाद में एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर आप इसको एज इट इज रख के सॉल्व करते तो भी आपका आंसर सेम आएगा। क्यों? क्योंकि इसका आप इंटीग्रेशन कीजिए या तो डेरिवेटिव कीजिए तो आपको वैल्यू सेम ही मिलता है। इसके लिए इस क्वेश्चन को सिर्फ, बाकी सबके लिए सेम नहीं होता है। यहाँ पे इस टाइप जहाँ पे ई रेस टू एक्स रहेंगे ना आगे पीछे, तो आप उसको आगे लिखिए या तो पीछे लिखिए, या तो उसको आप यू सपोज किए तो या तो वी किए, क्योंकि ई रेस टू एक्स का अगर डेरिवेटिव करते तो भी सेम आता है, इंटीग्रेशन करते हैं तो भी सेम आता है। तो आप उसको यू बनाए वी बनाए कुछ भी मैटर नहीं करता, ओके। बट बाकी सब क्वेश्चन के लिए उसको वी ही बनाना पड़ेगा, यू नहीं बना सकते, ओके। तो देखिए हमने इसको कर दिया, फिर हमने क्या किया यहाँ पे इनटू वी लगा, तो इसको कॉमन लिया इसको इंटीग्रेट किया, फिर इसको डेरिवेट किया इसको इंटीग्रेट किया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया। तो यहाँ पे देख रहे यार यहाँ पे तो वापस ही इनटू वी लग रहा है, तो हमने क्या किया यहाँ पे वापस इनटू वी लगा, तो यहाँ पे देख रहे यार ये तो एक क्वेश्चन हमारा सेम दिख रहा है। तो हमने क्या किया अगर हम इसको वापस से सॉल्व करते हैं तो सेम प्रोसेस वापस से करना पड़ेगा। उससे बने क्या करो इसके जगह सपोज कर यहाँ से क्या करो ले लिया हमने आ, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एक्चुअली नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन वन, क्योंकि हमने इसको क्या किया वन से लिया है, ओके। और फिर बाद में यहाँ पे इसको आई लेके फिर यहाँ से इधर था माइनस इधर तो प्लस हो गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ से जो भी चीजें कॉमन आती है उसको हमने क्या किया कॉमन लिया, ओके। फिर सिंप्लीफाई किया आपको आंसर मिल गया। ये ध्यान देखना है कि जो भी चीजें अगर कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लो, आपके पीछे आंसर में लिया है नहीं लिया उससे मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन में क्या क्या है जो वैल्यू सेम है उसको कॉमन ले लेते हैं, कुछ वैल्यू में नहीं लेते हैं, ओके। तो आप ट्राई करो कि कॉमन दिखता है तो कॉमन ले लो, जितना मतलब सिंपल हो सकेगा वहां तक सिंपल कर दो। तो ये इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 10 सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, सॉरी साइन इनवर्स ऑफ एक्स ऑफ डी एक्स, ओके। सबसे पहले क्या क्या करना, आई इक्वल टू सपोज कर लिया है मैंने, हाँ ये डायरेक्ट सोल्यूशन है, आई इक्वल टू मैंने क्या क्या सपोज कर लिया। अब लेट से इसको कंपेयर करें, पहले क्या है ये अलजेब्रिक है, नहीं पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है फिर बाद में अलजेब्रिक है, तो पहले हम लोग इसको ले लेंगे। हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू एक्स यहाँ पे डी एक्स, फर्स्ट काम तो हमारा हो गया। अब क्या करना है, इसको सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए यू इंटू वी रूल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स को कॉमन लेंगे, आई इज इक्वल टू I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यानी कि इसको साइन इनवर्स ऑफ एक्स को कॉमन लें, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन डी अपॉन में डी एक्स, फिर साइन इनवर्स ऑफ एक्स को डेरीवेट किया इन टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स पूरे को ब्रैकेट लगा के यहाँ पे डी एक्स फॉर्मूले में रख दिया। अब इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना कीजिए, आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है x से पावर में टू अपॉन में टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स का क्या था वन अपॉन में अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर इन टू यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में टू यहाँ पे डी एक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स इन टू एक्स स्क्वायर अपॉन में टू माइनस यहाँ से क्या करें वन बाई टू को बाहर ले लेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा अपॉन में हो जाएगा अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे डी एक्स। अब ध्यान से देखिए हमको क्या, जब भी इससे कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग ट्राई करते हैं कि जो भी नीचे वैल्यू वही सेम ऊपर होना चाहिए, ओके। उसके हम लोग क्या करते हैं उसको अरेंजमेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है वन है, तो देखिए ये जो माइनस है माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, ओके। क्योंकि मैं एक स्टेप बढ़ा के करता हूँ आपको, हाँ ताकि मतलब बाद में ऐसा कन्फ्यूजन होना चाहिए आपको कि कहाँ से आया, ये एक स्टेप बढ़ा देते हैं। साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में टू माइनस का जगह प्लस वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या जगह माइनस एक्स स्क्वायर
अपॉन में अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे डी एक्स। ओके देखिये यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस लाना है, तो मैंने क्या किया, ये जो माइनस है ना, माइनस क्या क्या है, इसको यहाँ पे अंडर डाल दिया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस बचेगा। ओके अब देखिए ये माइनस यहाँ पे क्या वन है, तो वन को प्लस किया, फिर माइनस मैंने वन को माइनस किया, देखिए ये हो गया। अब ये जो रूट है ना, रूट वन, रूट में क्या है, वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ भी जाएगा। ओके तो लिखिए पहले ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा था, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस वन के अपॉन में अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे dx। अब क्या करना, दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट भी करना। ओके उससे पहले देखिए यहाँ पर ऊपर क्या है, ऊपर x है, नीचे क्या है, अंडर रूट में x है। ओके तो ऊपर x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट में x इंटू रूट में x अपॉन में x, क्यों, क्योंकि इनका अगर जो मैं स्क्वायर करता हूँ तो मुझे x मिलता है, तो ये और ये कैंसिल, तो अंदर क्या बचेंगे, रूट में x बचेंगे। ओके तो यहाँ पे सेम देखिए सेम चीज है, तो ये ऊपर दो टाइम रूट में जाएगा, तो एक कैंसिल, सिर्फ एक ही बचेगा उस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में टू इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस, अब क्या करना देखो, इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करो, यहाँ पे भी इसको इंटीग्रेट करो, और ये वन बाई टू यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा। ओके तो देखिए ये हो जाएगा वन बाई टू, ये मैं बड़ा सा ब्रैकेट लगाता हूँ, बाद में लगा दूंगा, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन के अपॉन में अंडर रूट में वन का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर यहाँ पे डी एक्स, और यहाँ पे भी डी एक्स। अब देखिए ये वाला कैसा है, मैंने आपको बताया, इसके हिसाब से देखिए वन माइनस एक्स का स्क्वायर है। ओके इसको मैं अंडर रूट में दो बार लिख सकता हूँ, वन माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स का स्क्वायर, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ये मिलेगा, और अपने इसके नीचे क्या था, वन माइनस एक्स स्क्वायर था, तो ये वाला ये पार्ट कैंसिल, एक बच गया, तो देखिए एक जो बच गया मैंने उसको यहाँ पे लिख लिया और उसको इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ। ओके अब ध्यान से देखिए, हाँ ये ब्रैकेट लगा दो, क्यों, क्योंकि देखिए ये वन बाई टू इसके भी बाहर है और इसके दोनों के बाहर है, अब दोनों को इंटीग्रेट करना है। तो ध्यान से देखिए इस टाइप के फॉर्मूले, अभी जस्ट हम लोगों ने इसके पहले कहते हैं कि कुछ इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन में अंडर रूट में ए माइनस, ये है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहा। ओके ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहा तो क्या होता था, ध्यान से देखिए पहले कुछ भी हो यहाँ पे क्या लिखते थे, यहाँ पे हम लोग लिखते थे ए अपॉन में एक्स स्क्वायर, बरोबर ना, नहीं नहीं एक्स अपॉन में टू, एक्स अपॉन में टू, एक्स अपॉन में टू लिखते थे। ओके ये फॉर्मूला हमारा एक्स अपॉन में टू लिखते थे, फिर रूट सेम लिख दो, रूट सेम रहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं रफ करता हूँ, ये सेम रहेगा, फिर यहाँ पे क्या रहेगा हमेशा प्लस, अगर जो ए स्क्वायर माइनस माइनस रहता है तो आपका माइनस आएगा, अगर ए स्क्वायर प्लस है तो प्लस आएगा, तो यहाँ पे प्लस है, फिर क्या करना है ए अपॉन में टू, ए स्क्वायर बाय टू, ए स्क्वायर बाय टू, फिर क्या करना है यहाँ पे देखिए वन अपॉन में ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, पहले हम लोग कैसा था वन अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या निकलता था साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस का सी, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट आ जाएगा इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस का सी। ये ध्यान से क्या, ये हमने फॉर्मूला बेसिक में किया था। ओके अब यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है, और देखिए यहाँ पे क्या है वन अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, मतलब यहाँ पे दोनों फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, देखिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला और यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, तो चलो यूज करते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन में टू इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वन बाय टू बाहर रहेगा ब्रैकेट, यहाँ पे क्या जाएगा देखिए एक्स बाय टू आ जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या है तो ये हो जाएगा एक्स बाय टू, फिर ये रूट सेम रहेगा तो रूट में लिखिए वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट सेम है वन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या है प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या वन का स्क्वायर वन ही होएगा अपॉन में टू है तो टू, फिर क्या है साइन इनवर्स, फिर है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है वन है, एक्स बाय टू है ना, तो पहले एक्स लिखिए अपॉन में वन लिखिए, ये हो गया है, फिर यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस, देखिए ये इसका काम हो गया, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया, अब बचा है दूसरा वाला पार्ट, तो इसका वाला क्या है देखिए माइनस तो माइनस रख दिया, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट है डायरेक्ट देखिए यहाँ पे लिख के रखा हूँ कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए का वैल्यू वन है प्लस का सी, ये हमने क्या क्या इसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट, ये दोनों फॉर्मूले को क्या करना आप यहाँ पे रीजन में दे दीजिएगा। ओके
इसको रफ कर देता हूँ, ये हो गया है। अब हम अब क्या करना है, देखिए इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे कीजिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कीजिए, क्यों, क्योंकि दोनों ब्रैकेट के बाहर है। चलो स्टार्ट, इसको सेम रखना है, एक्स स्क्वायर अपॉन में टू इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ओके ये हो गया, प्लस वन बाय टू का मल्टीप्लाई यहाँ पे करूँगा तो क्या जाएगा, एक्स बाय फोर हो जाएगा, और ये यहाँ पे भी करूँगा तो यहाँ पे भी फोर हो जाएगा, ओके। तो नहीं तो एक काम करते हैं ना, देखिए यहाँ पे भी वन बाय टू है और यहाँ पे भी वन बाय टू है, ये पूरे ब्रैकेट के बाहर वन बाय टू है, यहाँ पे भी, तो क्या करते हैं वन बाय टू को बाहर कॉमन ही ले लेते, ईजी हो जाएगा, यहाँ पे क्या करते हैं कॉमन ही ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, वन बाय टू को बाहर ले लेते, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस, यहाँ पे क्या है एक्स बाय टू एज इट इज रहेगा, फिर यहाँ पे क्या है अंडर रूट में क्या है आपका वन माइनस एक्स स्क्वायर ऐसी रहने वाला है, प्लस वन बाय टू ऐसी रहने वाला है, फिर यहाँ पे क्या है इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय टू हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे क्या है माइनस है, फिर से साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय टू प्लस का सी। अब एक चीज और ध्यान देखिए, देखिए यहाँ पे दोनों सेम है, तो साइन इनवर्स ना ये तो आपका ब्रैकेट के अंदर आ गया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय वन है, एक्स बाय वन यानी कि एक्स एक्स, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स को कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा वन बाय टू माइनस का वन, ओके। इसको सॉल्व करने क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स तो हो जाएगा माइनस वन बाय टू, क्या जाएगा माइनस वन बाय टू, तो हो जाएगा माइनस वन बाय टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कॉमन लेते, देखिए ये आपका आंसर आ गया, ये फाइनल आंसर है आपका, बट लेकिन जो आपका टेस्ट ट्यूब के पीछे दिया है वहां से क्या किया, इसको कॉमन लिया है और इसको मल्टीप्लाई किया, तो आप यहाँ पे छोड़ देंगे तो पूरा फुल मार्क्स मिलने वाला है, बट मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा वन बाय टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस एक्स बाय टू अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय टू, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन, ब्रैकेट में क्या रहेगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस का सी, तो हो जाएगा हाफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस एक्स बाय टू अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, जब क्या जाए माइनस वन बाय टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस का सी, ओके। तो ये इस तरीके से आपका आंसर आ गया है, ये आपका क्या है फाइनल आंसर है। अगर आपको अगर आपके टेस्ट में अगर कॉमन नहीं है तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कीजिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, ओके। या तो चाहिए तो वन बाय टू और कॉमन लेंगे, यहाँ से भी वन बाय टू कॉमन लेंगे, यहाँ से भी वन बाय टू लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे आपको क्या जाएगा, यहाँ पे आपको टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में टू नहीं है, तो टू से यहाँ पे मल्टीप्लाई टू से डिवाइड करें तो सब जगह से कॉमन आ जाएगा, लेकिन आप यहीं पे छोड़ दो, आपका आंसर राइट है, ओके। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो गया, सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन 12 क्या बोलता है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स यहाँ पे डीएक्स, ओके। देखिए पिछले क्वेश्चन के सही थोड़ा सा सेम दिख रहा है, वहां पे सिर्फ एक्स था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ओके, वहां पे साइन था यहाँ पे कॉस है, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसको अरेंज कर लेते हैं, लिएट पहले इनवर्स वाला फिर अलजेब्रिक वाला है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ पे डीएक्स। अब इसको फॉर्मूले में सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो जाएगा आई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन में डी एक्स कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स पूरे का ब्रैकेट लगा के यहाँ पे डी एक्स, ओके। सो क्या क्या फॉर्मूले में सब्सिट्यूट कर दिया है, अब क्या करना है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स पावर में थ्री अपॉन थ्री माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए साइन साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन अपॉन में अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस का भी सेम होता है सिर्फ यहाँ पे क्या होता है माइनस आ जाता है, कॉस का भी डेरिवेटिव सेम होता है सिर्फ यहाँ पे क्या होता है माइनस, यहाँ पे क्या जाए आपका माइनस वन अपॉन में अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आप क्या है यहाँ पे जाएगा एक्स पावर में थ्री अपॉन में थ्री यहाँ पे डी एक्स, ओके यहाँ पे सेम एज इट इज। अब क्या करना है ध्यान से देखिए, ये तो ऐसे रहने वाला है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इंटू एक्स पावर में थ्री अपॉन में थ्री माइनस, देखिए ये माइनस है ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे वन बाय थ्री बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा
अंदर बचेगा x के पावर में 3 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे dx। ओके, अब यहाँ पे दो मेथड, या तो इसको क्या करो, इसे डिवाइड कर सकते हो, या तो इसको और इजी करने का है तो क्या करो, सपोज कर लो सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। ये इसको पहले लिख सकता हूँ, एक्स थ्री इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन में 3 प्लस 1 बाय 3। ओके, देखिए ये वाला माइनस प्लस हो गया, फिर यहाँ पे क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, मैं इसको लिखता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे dx। अब ध्यान से देखिए मैं यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा, देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पे x, तो ये नीचे वाला पार्ट दिख रहा है ना अंडर रूट में, ये वाला पार्ट, इसको क्या करो आप सपोज कर लो, देखिए कैसे, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। ओके, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट करो तो जाएगा 1 का 0 यानी कि माइनस 2x इज इक्वल टू डी टी अपॉन में dx, तो dx को इधर रखल दो, 2 को इधर रखल दो, तो जाएगा x, हाँ ये माइनस को भी ले जाओ, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 डी टी। ये हो गया, देख लीजिए ध्यान से, एक्स डी एक्स, हाँ ये दिख रहा है ना, एक्स डी एक्स पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस 1 बाई 2 डी टी। फिर यहाँ पे बचता है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का भी कुछ वैल्यू रखना है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी है ना, तो क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर को इधर ले लो, टी को इधर ले लो, तो 1 माइनस टी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, 1 माइनस टी, जाएगा 1 माइनस टी। देख लीजिए हमने दोनों सब का वैल्यू निकाल लिया, अब क्या करना है, इसमें सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो चलो करते हैं सब्स्टिट्यूट, ये तो सेम रहने वाला है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है, तो हो जाएगा x का क्यूब इंटू कॉस इनवर्स ऑफ x अपॉन में 3 प्लस 1 बाय 3 एज इट इज रहेगा इंटीग्रेशन। ध्यान से क्या, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या निकाले, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस टी, तो लिखिए 1 माइनस टी। फिर देखिए एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस हाफ, माइनस हाफ डी टी, और ये अपॉन में, देखिए अपॉन में अंडर रूट में क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या सपोज किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, दैट इज टी, तो अंडर रूट में क्या जाएगा आपका, अंडर रूट में आएगा टी, हाँ अंडर रूट में आएगा, ये हो गया टी। ओके, अब देखिए सभी के सभी क्या हो गया, टी के फॉर्म में हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, अब इसको सिंप्लीफाई के इंटीग्रेट करना है। ओके, ये एज इट इज चलते रहेगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स के पावर में 3 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन में 3 प्लस 1 बाय 3 इंटीग्रेशन हो, देखिए 1 बाय 2 एक काम करते हैं माइनस का है ना, माइनस 1 बाय 2 क्या करते हैं बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन हो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टी, देखिए ये अपॉन में है, टी के टी है अंडर रूट में, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 के पावर में टी से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाफ में सॉरी पावर में हाफ हो जाएगा, ये अंडर रूट में टी है, जब टी से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, पावर में हाफ हो जाएगा, और जब यही ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा टी, देखिए ऐसा था ना, ये 1 तो सेम रहेगा इंटू टी के पावर में माइनस हाफ हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे सेम काम करता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टी के पावर में क्या करता हूँ, हाफ करता हूँ यहाँ पे डी टी, फिर हो जाएगा यहाँ पे एक्स का क्यूब इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन में 3, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 1 बाय 6 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी, ये ऊपर जाकर क्या जाएगा इंटू टी के पावर में माइनस 1 बाय 2 यहाँ पे डी टी। ओके, अब क्या करना है, 1 बाय ये जो है ना आपका, ये 1 माइनस टी यहाँ पे क्या है, टी के पावर में हाफ है माइनस में, तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा। ओके, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, चलो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स के पावर में 3 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन में 3 माइनस 1 बाय 6 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर सेम आएगा टी के पावर में माइनस हाफ माइनस टी इंटू टी के पावर में हाफ माइनस हाफ है ना, टी के पावर में माइनस हाफ यहाँ पे डी टी, देखिए इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या होगा, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इज इक्वल टू होता है ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एम प्लस एन, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय 2, तो हो जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन में 2 यानी कि 1 बाय 2 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे लिखिए एक्स के पावर में 3 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन में 3 माइनस 1 बाय 6, आप क्या करता हो देखो, इसको इंटीग्रेट यहाँ पे करता है, इसको यहाँ पे, तो 1 बाय 6 इसके साथ ले लिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी के पावर में हाफ डी टी माइनस माइनस कर देंगे प्लस 1 बाय 6 इंटीग्रेशन ऑफ टी के पावर में
ये देखिए पॉजिटिव हाफ है, यहाँ पे माइनस हाफ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ डी टी। अब दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए तो हो जाएगा एक्स पावर में 3 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन में 3 माइनस 1 बाय 6। ये हो जाएगा टी के पावर में, देखिए टी के पावर में क्या था माइनस हाफ है प्लस का 1, माइनस हाफ प्लस का 1, तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा इंटू टी के पावर में माइनस हाफ प्लस का 1 अपॉन में माइनस हाफ प्लस का 1 प्लस 1 बाय 6। यहाँ पे हो जाएगा टी के पावर में हाफ प्लस का 1 अपॉन में हाफ प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का सी। अब क्या करना है सिंपली कीजिए, देखिए एक्स पावर में 3 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन में 3 माइनस, देखिए ए 1 में से हाफ रद्द कर जाएगा, माइनस 1 बाई 6 तो सेम रहेगा, तो इधर टी के पावर में हाफ अपॉन में क्या रहेगा हाफ रहेगा, प्लस यहाँ पे भी देखो 3 बाई 2 हो जाएगा, 1 बाई 2 है प्लस का 1 है, तो 2 वन जा 2, 2 और 1 3, 3 बाय 2 हो जाएगा 1 बाय 6 इंटू टी के पावर में 3 बाय 2 अपॉन में 3 बाय 2 प्लस का सी। अब ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो जाएगा एक्स पावर में 3 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन में 3 माइनस 1 बाय 6 है इंटू क्या जाएगा 2 पर 1 नीचे, तो यहाँ पे क्या जाएगा देखिए इसका मतलब क्या आता है टी के पावर में हाफ है तो ये हो जाएगा अंडर रूट में टी प्लस का, ये भी सेम हो जाएगा 1 बाय 6 इंटू 2 बाय 3, 3 नीचे 2 पर, यहाँ पे क्या रहेगा सेम रहेगा टी के पावर में 3 बाय 2 प्लस का सी। अब क्या करना है टी का वैल्यू रख दीजिए, तो एक्स पावर में 3 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन में 3 माइनस 2 3 जा 6 तो ये हो जाएगा 1 बाय 3, तो अंडर रूट में टी का वैल्यू क्या है टी को हमने क्या सपोज कर दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। फिर यहाँ पे क्या है 2 3 जा 6 यानी कि 1 3 3 जा 9 प्लस 1 बाय 9, 1 बाय 9 इंटू यहाँ पे टी है ना, टी का देखो वैल्यू हमने क्या निकाले थे, टी का वैल्यू क्या है ये वाला पार्ट है ना, टी का वैल्यू देखो ये 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे का पावर में 3 बाय 2 प्लस का सी, ये आपका फाइनल आंसर है। देख लीजिए थोड़ा सा लेंदी हुआ है, इसमें कुछ वो नहीं है, बट क्या है देखिए लेंदी है वो फर्क नहीं पड़ता, आपको अच्छे से समझना चाहिए ना वो फर्क पड़ता है, समझे। इसके लिए थोड़ा सा बढ़ गया क्योंकि मैंने एक एक स्टेप करा के दिया, मैंने एक भी स्टेप गायब नहीं किया, इसके लिए थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो ये इस तरीके से करना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व होता है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज दोस्तों अब सॉल्व करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन 13 क्या बोलता है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग फिर लॉग एक्स अपॉन में एक्स डी एक्स, लॉग का जैसे होता है ना लॉग ए एक्स, ये आपका एक्स का काम करना। तो देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा दिख रहा है, तो हम लोग इसमें क्या करते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते थे, क्या करते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे लिख लीजिए आई इज इक्वल टू लॉग लॉग एक्स इंटू में इसको ऐसे लिखा 1 अपॉन में एक्स यहाँ पे डी एक्स, ओके। देखिए एक्स को मैंने बाहर लिख लिया, अब पुट कर दीजिए पुट लॉग एक्स इक्वल टू टी, देख लीजिए ना ये वाला पार्ट को हमने सपोज कर लिया, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन में एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या जाएगा डी टी, बस सब्सिट्यूट कर दीजिए। देखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग यहाँ पे क्या हो गया टी और हाफ डी यहाँ पे हो गया डी टी, बस खत्म। तो क्या करना है लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बराबर ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है। देखिए ये लॉग सेम है, इसको सपोज किया है तो इसका डेरिवेटिव करने पर 1 अपॉन में एक्स आ रहा है, यानी कि इससे पे क्या जाएगा ये वाला पार्ट दिख रहा है ना आपका, ये वाला पार्ट पे क्या जाएगा आपका डी टी आ गया है, तो डी टी आ गया है, ये लॉग सेम है यहाँ पे टी आ गया, हाँ परफेक्ट है। हाँ तो यहाँ पे क्या जाएगा इसको डेरिवेट करते हैं सॉरी इंटीग्रेट करते हैं, तो लॉग टी का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं पता ना आपको 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, वन को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करें क्योंकि डायरेक्ट लॉग का इंटीग्रेशन ही है ना, तो हम लोग क्या करते हैं उसको मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन करते हैं 1, ओके। अब इसको क्या करते हैं इंटीग्रेशन, तो आई इज इक्वल टू लॉग को कॉमन लिया इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन ब्रैकेट पहले लेता हूँ डी अपॉन में डी एक्स यहाँ पे लेता हूँ लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स प्लस सॉरी इंटू डी एक्स। अब क्या हो जाएगा लॉग तो ऐसे रहने वाला है, ये एक्स 1 का क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा माइनस, अच्छा ये एक्स नहीं आएगा टी के फॉर्म में आएगा, यहाँ पे सब टी के फॉर्म में आएगा, ये भी टी क्योंकि हमने ऑलरेडी क्या किया इसको टी में कन्वर्ट कर दिया ना, ये सब टी के फॉर्म में आ जाएगा, हाँ टी के फॉर्म में, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा ये टी आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन लॉग तो क्या क्या होता है 1 अपॉन में टी इंटू 1 का क्या होता है टी होता है और यहाँ पर जाएगा डी टी, तो टी और टी कैंसल, तो लॉग टी माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी
तो जाएगा लॉग टी माइनस टी, वन का इंटीग्रेशन कितना होता है टी होता है, यहाँ पे होगा प्लस का सी। देखिए टी यहाँ पे भी है, टी यहाँ पे भी है, ओके। देखिए ये वाला टी, यहाँ ये वाला टी को बाहर लिखते आता हूँ, हाँ टी इंटू टी इंटू, तो क्या करना है टी को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो टी को बाहर देते हैं, क्या बचेगा लॉग टी माइनस का वन प्लस का सी, ओके। अब क्या करें टी का वैल्यू रख दीजिए, तो टी का वैल्यू क्या है हमारा, यहाँ पे जाएगा लॉग एक्स ब्रैकेट में लॉग लॉग एक्स माइनस का वन प्लस का सी, आपका फाइनल आंसर है। बहुत ही सिंपल है, देखिए क्या करना है, ये दिख रहा है ना ये वाला पार्ट, ये लॉग उसको क्या करना है सपोज कर रहे हैं टी डेरिवेट करेंगे तो वन अपॉन में एक्स डी एक्स का वैल्यू आ रहा है डी टी, फिर रखने के बाद ये आ रहा है हमारा क्या आता है सिर्फ लॉग एक्स आ रहा है, ओके सॉरी लॉग टी, तो लॉग टी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, तो हमने क्या किया वन को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, अब यहाँ पे यू इंटू वी रूल लगा के इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर मिल गया। इस तरीके से करना है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व होता है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या ऑलरेडी टी के फॉर्म में हमको दिया है, ओके हमको क्वेश्चन टी के फॉर्म में दिया है। देखिए क्या बोला है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू साइन इनवर्स ऑफ टी अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस टी का स्क्वायर यहाँ पे डी टी। तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेता हूँ, देखिए कैसे, पहले मैं लिख लेता हूँ साइन इनवर्स ऑफ टी, फिर इंटू टी इंटू वन के अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस टी का स्क्वायर इंटू डी टी। देख लीजिए मैंने क्या अरेंजमेंट किया है, ये साइन इनवर्स को पहले लिख लिया है, टी को बाद में लिखा है, जो ये बचा ना 1 अपॉन में इसको इधर लिख लिया, बस सेम आई फिर। अब क्या करना है देखिए ध्यान से, साइन इनवर्स को सपोज कीजिए, तो लिखिए पुट साइन इनवर्स ऑफ टी इज इक्वल टू कुछ भी नया चीज सपोज कर लिया, यहाँ पे टी के फॉर्म में आप एक्स सपोज कर सकते हो, थीटा सपोज कर सकते हो, कुछ भी एनीथिंग। तो हम लोग क्या करते हैं इसको एक्स सपोज कर लेते हैं, क्या करते हैं एक्स, ओके जब एक्स रहता है तो टी सपोज करते थे, तो हम लोग टी है तो एक्स कर लेते हैं, या तो थीटा कर सकते हैं, आपको पर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे एक्स सपोज करता हूँ, तो यहाँ पे क्या इसका डेरिवेटिव निकालने का जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वन अपॉन में अंडर रूट में वन माइनस टी का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स के फॉर्म में करो ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ये इसका डेरिवेटिव ये हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे जाएगा डी एक्स अपॉन में डी टी, तो डी टी यहाँ पे चले जाएगा, तो वन के अपॉन में अंडर रूट में वन माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे डी टी इज इक्वल टू क्या जाएगा डी एक्स। तो ध्यान से देख लीजिए इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, ये वाले पार्ट के जगह पे यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डी एक्स, पहला काम हो गया। अब एक चार देखिए, देखिए इसका वैल्यू तो निकल गया, इसका वैल्यू निकल गया, बच गया ये वाला टी, ये दिख रहा ना ये टी क्या हुआ बच गया है, तो ये टी का वैल्यू निकालना यहाँ पे ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स ऑफ टी है ना, तो ये इधर जाएगा क्या जाएगा साइन एक्स इक्वल टू टी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो जहाँ पे टी रहेगा वहाँ पे मैं क्या रखूँगा साइन एक्स। तो री सब्सिट्यूट कीजिए वैल्यू में, तो हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इसी पे क्या हमने सपोज किया है दैट इज एक्स, हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या एक्स हो गया इंटू टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू साइन एक्स है, साइन एक्स है, और ये पूरे का वैल्यू क्या है डी एक्स है, तो हो गया आपका डी एक्स। देखिए ये कितना सिंपल हो गया, इतना कॉम्प्लिकेटेड से देखो कितना सिंपल हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने के बाद। अब इसको क्या करना यू इंटू वी रूल लगाया, पहले चेक करते हैं, देखिए पहले क्या अलजेब्रिक की फिट ट्रिग्नोमेट्री, तो हमारा पहले अलजेब्रिक की फिट ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी पहले से है, तो इसको क्या करें फॉर्मूला लगाते हैं, तो लिखिए आई इज इक्वल टू एक्स को कॉमन लिया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन में डी एक्स, एक्स को डेरिवेट किया इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, फिर यहाँ पे डी एक्स, ओके। अब क्या करना है इसको सिंपली इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे तो एक्स तो सेम यहाँ पे कर दूँगा, ये एक्स तो सेम रहने वाला है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, ओके फिर माइनस एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन होता है, इंटू साइन का क्या होता है माइनस कॉस एक्स प्लस का क्या है आपका प्लस, मत लिखो अभी सी मत लिखो, यहाँ पे डी एक्स ही रहने दो, फिर यहाँ पर जाएगा माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स यहाँ पे डी एक्स, तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स डी एक्स, ओके। आप चाहो तो यहाँ पे वैल्यू रख के छोड़ दो तो भी आपका आंसर राइट है, बट लेकिन जो आपके क्वेश्चन के पीछे दिया ना सबको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया, तो हमारे पास फॉर्मूला था देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता था,
हमको कॉस का वैल्यू चाहिए ना, साइन को उधर रख दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस ये ना, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सेम यहाँ पे रख देंगे, ये माइनस एक्स तो एज इट इज रहने वाला है, कॉस यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए कॉस यहाँ पे क्या जाएगा, अंडर रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस का साइन एक्स, यहाँ पे dx से क्या जाएगा, यहाँ पे प्लस का सी, प्लस का सी। अब क्या करना है, कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, अब क्या करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो x को हमने क्या सपोज किया था, साइन इनवर्स ऑफ t, यहाँ पे जाएगा आपका माइनस i इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ t, ये अंडर रूट में, ओके अंडर रूट में, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, देखिए साइन एक्स है इसका स्क्वायर है तो इसका टी का स्क्वायर हो जाएगा, होगा टी का स्क्वायर प्लस साइन एक्स का वैल्यू क्या है, साइन एक्स का वैल्यू क्या है, देखिए टी है हो जाएगा प्लस का टी प्लस का सी, ये हो गया आपका वैल्यू। चलिए तो इसको आगे पीछे लिख लेते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, तो इसको आगे पीछे लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू माइनस, इसको रूट में लिख देता हूँ, वन माइनस टी का स्क्वायर, फिर क्या बचेगा, इंटू साइन इनवर्स ऑफ टी प्लस का टी फिर प्लस का सी, ये आपका फाइनल आंसर है। आप यहाँ पे छोड़ देंगे तो भी चलेगा, बस मैंने अरेंज कर दिया, इसको रूट वाले को पहले लिया, साइन इनवर्स को बाद में है, क्योंकि आपके टेस्ट बुक में इसी तरीके से आंसर दिया है। तो देख लीजिए कितना सिंपल है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन 15 क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट में एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट में एक्स यहाँ पे डी एक्स। अब देखिए डी एक्स यहाँ डी टी नहीं, अब हम देखिए रूट में इसको क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे, तो लिखिए पुट रूट में एक्स इक्वल टू टी, अब इसका स्क्वायरिंग कर दो तो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हो जाएगा डी एक्स, ओके डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल टू टू टी, तो ये टी इधर चले जाएगा, तो डी एक्स इज इक्वल टू टू टी इंटू डी टी हो जाएगा, ओके तो डी एक्स क्या आ जाएगा टू टी इंटू डी टी, और इसका क्या आ जाएगा टी आ जाएगा, तो यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी इंटू टू टी डी टी। अब ध्यान से देखिए पहले कौन सा है, पहले अलजेब्रा है ना, हाँ देखिए पहले अलजेब्रा है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टू टी इंटू कॉस टी इंटू डी टी, ये आपका हो गया U, ये हो गया आपका V। अब क्या करना है, इसमें फॉर्मूला लगाना है तो लगा दीजिए, हो जाएगा आई इज इक्वल टू यू को कॉमन लेंगे यानी टू टी बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी, ओके माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन डी अपॉन में डी एक्स टू टी इंटू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी यहाँ पे डी टी बाहर डी टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए टू टी कॉस का क्या होता है साइन टी, माइनस इंटीग्रेशन टू टी का क्या होता है टू इंटू टी का वन हो जाएगा, माइनस कॉस का क्या होता है साइन टी, माइनस है यहाँ इंटू साइन टी यहाँ पे डी टी, तो जाएगा टू टी इंटू साइन टी माइनस टू को बाहर ले लिया इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी, तो जाएगा टू टी साइन टी माइनस टू, साइन का क्या होता है माइनस कॉस टी प्लस का सी, तो जाएगा टू टी इंटू साइन टी माइनस माइनस प्लस टू कॉस टी प्लस का सी। अब देखिए टू यहाँ पे भी टू यहाँ पे भी टू को कॉमन ले लेंगे टू, तो जाएगा टी इंटू साइन टी प्लस कॉस टी प्लस का सी। अब क्या करना है, वैल्यू जो लिए थे वो सब्सिट्यूट कर देना है, हो गया, तो टू ब्रैकेट में टी का वैल्यू क्या है रूट में ना, तो रूट में एक्स इंटू साइन रूट एक्स प्लस कॉस रूट एक्स प्लस का सी, ये क्या है आपका फाइनल आंसर है। जहां जहां पे टी है वहां पे हमें क्या करना है, रूट में एक्स रखना, क्योंकि हमने उसको सपोज किया था, ओके तो ये इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व होता है, आप इसका अच्छे से स्क्रीन शॉट ले लिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन 16 क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू लॉग
कॉस थीटा यहाँ पे डी थीटा। ओके लॉग के देखिए उसका जो फंक्शन में साइज से दिया है एक हाँ ये आपको फंक्शन हाँ ये लॉग के फंक्शन में दिया कॉस हाँ यही सा है। अब हमको क्या सपोज करना देखिए तो ये फंक्शन इसको सपोज करना उससे पहले अरेंज कर लेते हैं। तो जगह लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पहले मैं लिखता हूँ लॉग कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। मैंने क्या किया साइन को बाद में लिखा लॉग को पहले लिखा है। अब सपोज कर लेते हैं पुट कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है टी सपोज कर लेते हैं तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है डिफ्रेंशिएट कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन तो माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू डी टी अपॉन में डी थीटा। तो डी थीटा इधर ले लो तो जगह साइन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू जगह माइनस डी टी। तो ध्यान से देख सकते हैं ये वाला पार्ट दिख रहा है ना साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारा माइनस डी टी तो ले लेंगे वहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग टी इंटू माइनस डी टी। तो माइनस को बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ लॉग टी देखिए माइनस बाहर लेता हूँ माइनस बाहर और यहाँ पे कुछ भी नहीं तो हम लोग क्या ले लेंगे वन लेके क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सेम इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग जब इसके पहले कर चुके हैं करीब सेक्शन चला ना थर्टीन या फोर्टीन में कुछ था तो बस सेम काम करना है आई इज इक्वल टू माइनस बाहर लेने वाला है बड़ा सा ब्रैकेट लॉग टी को बाहर लेना है इंटीग्रेशन ऑफ वन डी टी माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन डी अपॉन में डी एक्स डी टी हाँ डी टी डी टी लॉग टी। ओके लॉग टी हो गया फिर क्या करना है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन डी टी पूरे के बाहर में डी टी। अब क्या करना है अब इसको क्या करना है माइनस तो बाहर ही रहने वाला है माइनस बाहर है ब्रैकेट लॉग टी तो सेम रहेगा लॉग टी और वन का इंटीग्रेशन क्या होता है दैट इज टी फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ पे क्या होता है कॉस लॉग है ना लॉग क्या होता है वन अपॉन में टी होता है इंटू टी का वन का क्या होता है टी होता है यहाँ पे डी टी टी और टी कैंसल ये ब्रैकेट रहेगा तो आई इज इक्वल टू माइनस टी इंटू लॉग टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन डी टी। ओके तो हो जाएगा माइनस बाहर रहेगा टी इंटू लॉग टी माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा वन का क्या हो जाएगा दैट इज वन का हो जाएगा टी प्लस का सी। ओके आप क्या अगर चाहो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या तो आप माइनस से मल्टीप्लाई मत करो ऐसे छोड़ दो। ओके मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा देखिए ये माइनस हो या प्लस हो जाए तो टी को बाहर ले लिया माइनस टी इंटू लॉग टी हो गया प्लस का सी अब टी को कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा वन माइनस लॉग टी प्लस का सी तो टी का वैल्यू क्या है टी का वैल्यू हमारा कॉस टी कॉस थीटा तो कॉस थीटा वन माइनस लॉग कॉस थीटा प्लस का सी। देखिए आपका जो क्वेश्चन है ना आपका जो क्वेश्चन है आपका जो टेस्ट बुक का आंसर है आपका टेस्ट बुक का आंसर यहाँ पे छोड़ दिया है यहाँ पे रहने देके क्या क्या इसका क्या क्या है कॉस यहाँ पे ले ले कॉस यहाँ पे ले ले छोड़ दिया। ओके फिर माइनस को बाहर ही रखा अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ऑल क्वेश्चंस में हम लोग कुछ इसी पैटर्न से करते हैं तो यहाँ पे भी हमने वही काम किया है तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन सेक्शन क्या होता है सॉल्व होता है। तो आज मैं आज के लिए यहाँ पे स्टॉप करता हूँ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके तो देखिए आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 से लेके पूरे 16 तक यानी टोटल 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हाँ हाँ तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसके जैसा जो भी मिसलेनियस में आपको दिखते हैं सॉल्व एग्जाम्पल में दिखते हैं आप उसको पूरे अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके ताकि आपका भी मतलब जहाँ हम लोग कराते रहे आपका प्रैक्टिस होता जाएगा ना तो ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा पेपर क्योंकि बोर्ड का पेपर जस्ट 3 मंथ बस है बस मतलब 90 दिन ही 90 डेज के अंदर आपको क्या करना अच्छे से प्रिपरेशन करना तो 2 आवर्स मिनिमम पर डे आपको मैथ्स के लिए देना है बाकी सब्जेक्ट को अदर के हिसाब से आपको आपकी तैयारी के हिसाब से उसको बाकी देना। ओके तो यहाँ पे स्टॉप करता हूँ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे देखते रहे हमारे चैनल। ओके थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।